गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आई एम हर्षद विश्वकर्मा एंड वेलकम टू एजुकेशनल चैनल एडवर्स। जैसे कि प्रीवियस जो लेक्चर था, उस प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको सिंथेसिस के कुछ बेसिक रूल्स बताए हुए थे। पहले तो बात करते हैं सिंथेसिस क्या होती है। बात करते हैं सिंथेसिस का, सिंपल एक वर्ड याद करना है आपको, कॉम्बाइन। सिंथेसिस मीन्स क्या होता है? कॉम्बाइन। और कॉम्बाइन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। तो यहाँ पर हम सिंपल एक वर्ड याद रखेंगे कि कॉम्बाइन मीन्स होता है जोड़ना। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ आप लोग अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको फॉरवर्ड कर दीजिए और बता दीजिए कि क्लास आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है। उसी के बाद मैं आप लोगों को इसके बेसिक रूल्स बताऊंगा, तब तक मैं आपका बेसिक सेंस बता देता हूँ कि क्या होता है। अब हम बात कर रहे थे सिंथेसिस की। तो यहाँ पर जो प्रीवियस लेक्चर है, प्रीवियस लेक्चर में मैं आप लोगों को पार्टिसिपल पढ़ा चुका हूं, जीरंड पढ़ा चुका हूं, और इसके साथ मैंने इंफिनिटिव भी पढ़ाया हुआ है और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट भी पढ़ाया हुआ है। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। और सिंथेसिस सीरीज की आई थिंक मुझे याद है ये 8th या 9th वीडियो होगी। तो देखिए, जिन लोगों ने अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, प्रीवियस लेक्चर्स को देख लेना, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जब तक आप प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखेंगे समझ में नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि आप लोगों को लगता है कि सर मैं आज की क्लास ले रहा हूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो उन सब चीजों के लिए याद रखिए प्रीवियस लेक्चर्स को जरूर देखा करिए। क्योंकि आप देखिए यूट्यूब पर कोई भी वीडियो बना रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ गलत बता रहा है, हर एक टीचर आपको सही बताएगा। मैं पढ़ा रहा हूं कोई भी टीचर, बस आप उसकी वीडियोस को स्टार्टिंग से देखिए तो ये कंफर्म आपको चीजें समझ में जरूर आएंगी। अब हम बात करें फ्रेज इन अपोजिशन। कॉम्बाइन का सेंस समझ में आ गया कि सेंटेंसेस को ऐड करना। कोई भी दो दिए गए सेंटेंस या फिर दो से ज्यादा सेंटेंस दिए गए उनको अगर हम ऐड कर रहे हैं तो उसका सिंपल सेंस होता है सिंथेसिस करना। क्या होता है? सिंथेसिस। एक आप लोग याद होगा सिंथेसिस प्रोसेस होती है केमिस्ट्री में, तो सेम वही सेंस होता है चीजों को जोड़ना मिलाना और उसको एक सेंटेंस बना लेते हैं। तो यहां पर हम कॉम्बिनेशन कर रहे हैं सेंटेंसेस का। अब हम बात कर रहे हैं वो किस बिहाफ पे कर रहे हैं फ्रेज इन अपोजिशन। पहले तो हम समझते हैं फ्रेज इन अपोजिशन क्या होता है। बात हम कर रहे हैं फ्रेज की। फ्रेज जो जनरली होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। क्या होता है? फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। दो सेंस चलते हैं हमेशा, एक तो फ्रेज होता है, एक होता है क्लॉज। थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में कि क्या होता है फ्रेज और क्लॉज का जो सेंस होता है उसको थोड़ा सा समझेंगे। फ्रेज होता है, इस फ्रेज में ना ही वर्ब होती है ना ही सब्जेक्ट होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। फ्रेज में क्या होती है? नाइदर इट हैव वर्ब नॉर सब्जेक्ट, ना ही इसमें सब्जेक्ट होता है ना ही इसमें वर्ब होती है। लेकिन क्लॉज में सब्जेक्ट भी होता है वर्ब भी होती है, और कई बार सब्जेक्ट होता है वर्ब नहीं होती है, वर्ब होती है सब्जेक्ट नहीं। मीन्स एटलीस्ट दोनों में से कोई एक ना एक जरूर होगा या फिर दोनों जरूर होंगे। तो सिंपली इसमें क्या होता है? ना ही सब्जेक्ट होता है ना ही वर्ब होता है, ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो ये चीज जैसे मैंने बोल दिया अ ग्रेट लीडर, क्या बोल दिया? अ ग्रेट लीडर। ध्यान से समझेंगे समझ में आ जाएगा अ ग्रेट लीडर। तो यहां पर जो अ ग्रेट लीडर है दोस्तों, ये जो अ ग्रेट लीडर ये फ्रेज का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? फ्रेज का काम कर रहा है। और पर्टिकुलरली ऐसा नहीं फ्रेज का कोई सेंस नहीं होता, फ्रेज का भी एक सेंस होता है। तो यहां पर जो सेंस हो गया अ ग्रेट लीडर, तो ये क्या है? एक महान नेता है और ये एक फ्रेज का काम कर, समझ में आ गया होगा? बाकी हाँ, तुम लोग समझ में गया, अपने अकॉर्डिंग चलते हो, समझने से क्या मतलब, चैटिंग करने में लगे हो अपने कमेंट बॉक्स में। अब हम बात कर रहे हैं अपोजिशन। क्योंकि यहां पर नाउन होता है कई बार और कई बार अपोजिशन होता है, दोनों टाइप से सेंटेंस को ऐड करते हैं। अब यहां पे अपोजिशन का मतलब समझिए, अपोजिशन का मतलब होता है बगल में। अपोजिशन में क्या होता है? बगल में, हमेशा याद रखना। इसका मतलब क्या होता है? बाई साइड। क्या होता है? बाई साइड। दूसरा याद रखेंगे हम कि बगल में, क्या रखेंगे? बगल में। यह बात समझ में आ गई? जैसे अब एक सेंटेंस अलग से लिख देता हूं, सचिन कोमा अ प्लेयर कोमा फिर से इज इंडियन, इज इंडियन। सचिन कौन है? वो प्लेयर है। और वही कौन है? इंडियन है। तो जब भी एक सेंटेंस में एक ही पर्सन की दो क्वालिटी को बताया जाए तो हम उन दोनों क्वालिटी को क्या करते हैं? उनके पास में रख देते हैं। सिंपली याद रखना, सचिन कौन है? वो एक प्लेयर है क्रिकेट टीम के, इंडियन क्रिकेट टीम में प्लेयर है, और वही वो इंडियन भी है। तो यहाँ पर एक ही पर्सन की दो क्वालिटी है, वो प्लेयर भी है और इंडियन भी। तो याद रखिए अगर किसी भी सेंटेंस में
एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज को उसके बगल में रखा जा रहा है तो उसका मतलब क्या होता है दोस्तों, वो अपोजिशन है। क्या है? अपोजिशन है। अब हम सेंटेंस आपको राइट करते हैं, उन सेंटेंसेस को आपको ऐड करना है, एक एक करके मैं ऐड करके बता देता हूं कि कैसे ऐड करेंगे। एग्जांपल्स में ले लेता हूं आप लोगों के लिए कुछ। आप लोग कॉपी पेन निकाल दीजिए, राइट करते रहिए। राणा प्रताप वॉज अ ब्रेव वॉरियर, ब्रेव वॉरियर। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस जो है, ही वॉज द किंग ऑफ मेवाड़, ही वॉज अब यहां पे हमारे पास दो सेंस आ गए। एक हमारे पास जो सेंस आ गया है कि राणा प्रताप कौन है, वो ब्रेव वॉरियर है, मींस इसी आदमी की क्वालिटी है अब ब्रेव वॉरियर, और यही है क्या मेवाड़ के किंग। एक ही आदमी की दो क्वालिटी है, अगर किसी भी सेंटेंस में एक ही आदमी की दोनों क्वालिटी दी जाए तो हम किसी भी एक क्वालिटी को उसके बगल में रख लेते हैं। तो यहां पर एक क्वालिटी क्या है इसकी, अब ब्रेव वॉरियर, और दूसरी क्वालिटी क्या है, किंग ऑफ मेवाड़। अब हम क्या करेंगे, या तो इस क्वालिटी को इसके बगल में कॉमा लगा के लिख देंगे, क्योंकि अपोजिशन मतलब क्या होता है, बगल में। अपोजिशन मतलब क्या होता है, बगल में। जो लोग न्यू व्यूअर्स उनसे कहूंगा, जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस बार मैंने सोच रखा है आप लोगों को मैं लिंक नहीं भेज रहा हूं। वजह क्या है उसकी, जब मैं लिंक भेजता हूं आप लोग देखते तो इससे अच्छा फायदा नहीं है भेजने का। तो सिंपली आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बेल आइकन आ रहा है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जैसे ही मैं लाइव आऊंगा आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ये चीज आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल रहती है। और जितने भी न्यू व्यूअर्स, सबसे कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि देखो इसमें बेनिफिट आपका ही है। बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, ये जो टॉपिक चल रहा है क्लास 12th यूपी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th यूपी बोर्ड में इस टॉपिक से 2 मार्क्स हर बार आते हैं, और इन मार्क्स को कोई भी कम नहीं कर सकता। इस बार तो सुन रहे हैं 4 मार्क्स के आएंगे। तो आप लोगों को डिफाइन करना है क्या करना है, तो याद रखिए अपने दोस्तों को भेजते रहिए, चीजें समझ में आएंगी, और स्टार्टिंग वीडियो जरूर देखिए। अब यहां पे हमने क्या किया, राणा प्रताप की दो क्वालिटी थी, ब्रेव वॉरियर और किंग ऑफ मेवाड़। यहां पे जो सेंस दिया हुआ है किंग ऑफ, तो यहां पे हम क्या करेंगे, अब ब्रेव वॉरियर, या तो हम क्या करेंगे सेंटेंस में, राणा प्रताप कॉमा लगाएंगे, या तो लिख देंगे द किंग ऑफ मेवाड़। अगर हमने लिख दिया द किंग ऑफ मेवाड़, ध्यान से समझिएगा चीजें इसमें दो टाइप से बन जाती है सेंटेंस, फिर कॉमा लगा दिया। अब हमने इस चीज को लिख दिया तो ये सेंटेंस छूट गया ना, जब ये सेंटेंस छूट गया तो इसको हम आगे ऐड कर देंगे। यहां तक ही तो यूज किया था हमने, यहां से सेंटेंस कितना बचा ये वाला, तो क्या होगा, वॉज अ ब्रेव वॉरियर कॉमा वॉज अ ब्रेव वॉरियर, एक तो ये हो जाता है। दूसरा सेंस अब इसी का और करके, दोनों सेंटेंस सही होते हैं, ऐसा ये मत सोचते कि सर ये वाला सही होगा या ये वाला सही होगा, दोनों सही माने जाते हैं। सेंटेंस हमारे पास क्या है दूसरा, राणा प्रताप। अभी हमने क्या किया था, आपको ये नहीं देखना है कि ये क्या लिखा है, कोई मतलब नहीं, आप है कौन, राणा प्रताप कौन, एक ब्रेव वॉरियर है, तो यहां पर हम कॉमा लगा के क्या कर सकते हैं, अब ब्रेव वॉरियर। आई थिंक क्लियर दिख रहा होगा सभी को, अब ब्रेव वॉरियर, महाराणा प्रताप क्या है, एक ब्रेव वॉरियर है, वॉज द किंग ऑफ मेवाड़। इसके बाद यहां से हमने छोड़ दिया था, क्योंकि ये ही तो राणा प्रताप है ना, ये जो ही है यही राणा प्रताप है, तो डायरेक्टली हम यूज कर लेंगे वॉज आ, वॉज द किंग ऑफ मेवाड़, वॉज द किंग ऑफ मेवाड़। समझ में आ गया होगा सभी को, कोई भी डाउट है आप फास्ट कमेंट करके पूछे कि हाँ सर मुझे इसमें ये चीज समझ में नहीं आई है। कॉपी करिए फास्ट, इसको फास्ट कॉपी करिए। अब कुछ स्पेशल सेंटेंस हैं, उनको राइट करते हैं कि कैसे यूज करा जाता है। अच्छा एक नया सेंटेंस दिख गया मुझे, वो समझिए आप लोग, एक अच्छा सेंटेंस है, शायद मैं आप लोगों को बताया हुआ होगा पहले, लेकिन समझते हैं कैसे।
आई हैव नेवर, एक मैं यहां पे क्वेश्चन लिख रहा हूं उसका आंसर आपको लिखना है, मैं अमेरिका में रहा हूं, एक सेंटेंस याद आ गया इसी टॉपिक से याद आ गया, इसका आपको ट्रांसलेशन करना है, इसका आप लोग ट्रांसलेशन राइट करिए, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, तब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूं। आई हैव नेवर बीन, नेवर बीन टू मुंबई, टू मुंबई, एक तो इसका ये सेंस हो गया, आई हैव नेवर बीन टू मुंबई, इट इज द बिगेस्ट सीपोर्ट, इट चौक नहीं चल रही, इट इज द बिगेस्ट सीपोर्ट इन इंडिया, इट इज द बिगेस्ट सीपोर्ट ऑफ इंडिया। इन सेंटेंस को आप कॉम्बाइन करके आंसर राइट करिए। अब मैं चेक करता हूं किस किस का आंसर राइट आएगा, इसका फास्ट कमेंट करिए, इनके आंसर और इस क्वेश्चन के आंसर फास्ट कमेंट करिए, आंसर राइट करिए, इसका मैं वेट करूंगा आप लोगों का। आई हैव नेवर बीन टू मुंबई, इट इज द बिगेस्ट पोर्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया, और इसके बाद ये सेंटेंस मैं अमेरिका में रहा हूं, इन दोनों सेंटेंस आंसर राइट करिए। एक स्टूडेंट उसका आंसर उसने राइट लिखा हुआ है सृष्टि यादव, इसके साथ सेकंड का आंसर मैं देखता हूं कि किसका आंसर राइट आया हुआ है, इसका आंसर, इसका आंसर एक स्टूडेंट का राइट आया हुआ है इसका। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, यहां पे ये जो सेंटेंस है, पहले तो आप ये डिफाइन करिए ये सेंटेंस है क्या। मैंने आपको देखो सबसे पहले तो देखो इस एक सेंटेंस में दो पार्ट दिए होंगे एक ही चीज के, आई हैव नेवर बीन टू मुंबई, मैं मुंबई नहीं गया हूं कभी भी, मतलब यहां पर मुंबई जाने की बात नहीं, मुंबई में होने की बात, मतलब मुंबई में कभी नहीं हुआ उस टाइप से, मतलब मैं वहां पर प्रेजेंट नहीं हुआ हूं कभी, मैं वहां पर कभी भी उपस्थित नहीं हुआ हूं, इसका सेंस ये है दूसरा। और ये क्या है, बिगेस्ट सीपोर्ट ऑफ इंडिया, तो मुंबई ही तो बिगेस्ट सीपोर्ट है, तो यहां पे द बिगेस्ट सीपोर्ट हम कहां लिखेंगे, इसके साइड में कॉमा लगा के, ऐसा नहीं है हम स्टार्टिंग में ही लिखेंगे, बीच में कहीं भी लिख सकते हैं। तो यहां पे इसका जो आंसर हो जाएगा आई हैव, और इसके साथ एक स्टूडेंट है इसका आंसर राइट आया हुआ आस्था का, तो यहां पर सेंटेंस इसका जो आंसर है आई हैव नेवर बीन टू मुंबई, टू मुंबई, और कॉमा लगा क्या लिखेंगे, द बिगेस्ट सीपोर्ट ऑफ, द बिगेस्ट सीपोर्ट ऑफ इंडिया। अब एक बार दोबारा चेक करो किस किसके आंसर्स राइट आए, अब इसको समझते हैं, इसके आंसर्स बताइए किस किसके सही आए। इसको देखते हैं अब, अच्छा इसके बता, इसमें देखो इसमें दो चीजें हैं, आप लोगों ने इसके आंसर्स राइट, कुछ ने आंसर्स जो राइट करेंगे आप लोग, तो आप लोगों के माइंड में चल रहा है आई हैव लिव्ड इन अमेरिका, लिव्ड इन अमेरिका, आपके सभी के आंसर यही आ रहे हैं कॉमनली, और आप लोगों ने राइट भी यही किए होंगे, बट ये सेंटेंस होता है रॉन्ग। ये समझ में आ गया सबको, ये आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अब इसको मैं इरेज कर देता हूं, अब हम बात कर रहे हैं इस सेंटेंस की, एक नया सेंटेंस है याद आ गया तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं, एक अच्छा पॉइंट भी है। सेंटेंस क्या था, मैं अमेरिका में रहा हूं, मैं अमेरिका में रहा हूं। अब यहां पर ये जो रहना है, ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आएंगे, चीजें तुरंत छूट जाएंगी। आप लोग जितने भी कमेंट करें, कमेंट करना बंद करिए, यहां पे दिखता समझिए इसको, वीडियो देखिए बस आप। मैं अमेरिका में रहा हूं, यहां पे दूसरा सेंटेंस मैं बोलूंगा मैं अमेरिका में
रह चुका हूं। दोनों सेंटेंस में डिफरेंस है, ध्यान से समझिएगा, दोनों सेंटेंस में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस। ये जो रहना है ये लिव वाला रहना नहीं, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, ये लिव वाला रहना नहीं है, ध्यान समझिएगा, ये क्या है, लिव वाला रहना नहीं है, और यहां पर ये रहना है, ये लिव वाला रहना है, ये बात समझ में आई। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर ये जब लिव वाला रहना नहीं है तो ये है कौन सा रहना, समझते हैं। जैसे मैंने आपसे बात करी कि मैं आज रात को 5 बजे घर पर होऊंगा, क्या बोला सेंटेंस, मैं आज रात को 5 बजे घर पर होऊंगा, तो मेरे घर पर रहने की बात नहीं है, मेरे घर पर प्रेजेंट होने की बात है। ये किसकी बात हो रही, प्रेजेंट की बात हो रही, मैं वहां पर प्रेजेंट हूं, मतलब उपस्थित हूं, क्या हूं, ये प्रेजेंट टेंस नहीं है, मैं ये यहां पर उपस्थित होने की बात हो रही, किसकी हो रही, मैं वहां पर शाम को 5 बजे उपस्थित होऊंगा, और इस प्रेजेंट के उपस्थित होने की बात होती है, इंग्लिश होती है बी, क्या होती है, बी फॉर्म जो होती है, इसका मतलब मैं वहां पर होऊंगा। अब ये रहा हूं, ये तो कंफर्म है कि प्रेजेंट परफेक्ट में, ये तो कंफर्म है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट। इसको बनाएंगे कैसे, पहले इसको बनाते हैं, आई हैव लिव इन अमेरिका, इसका तो यही होगा, इसका सबका यही होगा, और यही सबका आंसर आया भी है। इसका समझते हैं क्या होगा, ये जो बी फॉर्म होती है, अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे तो मैंने आपको बताया हुआ है, जो बी होती है एक मेन वर्ब का भी काम करती है, बी होती है मेन वर्ब का भी काम करती है, याद रखिए बहुत अच्छे से, ये बात नई चीजें थी तो मैं सोचा इसको थोड़ा हटा दूं, ये टॉपिक हो गया आपका कंप्लीट, इसको नई चीजें वो समझते हैं। यहां पर जैसे ये बी फॉर्म है, मैंने वर्ब की टॉपिक में पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, बी फॉर्म और हैव फॉर्म और डू फॉर्म, तीनों फॉर्म पढ़ाए हुए हैं, आप लोग देख लेना समझ में आ जाएगा। बी फॉर्म और हैव फॉर्म डू फॉर्म क्या होती है, बी फॉर्म जो होती है एज होती है, एम होती है, आर होती है, वॉज होती है, और बर होती है। दूसरे केस में हम डायरेक्टली कह सकते हैं जितनी भी आईएनजी फॉर्म होती है वो सारी कौन सी फॉर्म होती है, बी फॉर्म, समझ में आ गया होगा, इनको क्या कहा जाता है, बी फॉर्म। हैव की बात करते हैं तो हैव की जो फॉर्म होती हैव, हैज और हैड, ये आपकी हैव फॉर्म होती है। डू फॉर्म में जो होती है डू, डज और डिड, ये इसकी आपकी डू फॉर्म होती है। अब इनमें एरर करेक्शन, इनसे एरर करेक्शन बहुत आते हैं, कैसे आते हैं वो समझो, इनके बाद लगनी है आईएनजी, हम लोग लगा देते हैं थर्ड फॉर्म, और सेंटेंस एक्टिव वॉइस होता है। सिंपली अगर ये लगी है तो हमेशा क्या आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी। ये मैं ऑलरेडी नॉन फाइनाइट के टॉपिक में पढ़ा चुका हूं, याद रखना ये बात बहुत अच्छे से, और इन्फिनिटिव का टॉपिक तो उसमें बताया था। तो यहाँ पे इनके बाद हमेशा आईएनजी आएगी, अगर पैसिव वॉइस है तो फिर थर्ड फॉर्म आएगी, समझ में आ गया, पैसिव वॉइस है तो थर्ड फॉर्म आएगी, अगर एक्टिव सेंटेंस है तो क्या आएगी, आईएनजी, थर्ड पर। इनके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, इनके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, याद रखना हमेशा हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे सेंटेंस दिया गया हैव बीन, ध्यान रखो ये हैव बीन जो होता है, क्या आप लोगों ने सोचा ये क्या है, ये बी की थर्ड फॉर्म है, ये जो बी मैंने यहां लिखा है ये वाला बी, ये इसकी थर्ड फॉर्म है बीन, क्योंकि बी की जो थर्ड फॉर्म होती है बी बीन बीन, क्या होती है, बी बीन और बीन, तो यहां पे जो बी होती है बी की तीन फॉर्म होती है, बी बीन और बीन। वैसे ही सेम आपने कभी देखा होगा बिल के बाद हैव लगा होता है, क्या आपने कभी बिल हैज सुना है, क्या सुना है, बिल हैज कभी नहीं सुना होगा, सुड हैज नहीं सुना होगा, सेल हैज नहीं सुना होगा, बट सेल है, बिल है, सुड है, मे है, माइट है, ये सब सुने होंगे, क्यों होती है ये समझिए। जैसे बी की तीन फॉर्म बी बीन बीन होती है, वैसे सेम हैव की भी तीन फॉर्म होती है, हैव, हैड और हैड, ये तीन होती है, बहुत अच्छे से याद रखना। तो यहाँ पे जो ये होती है ये फर्स्ट फॉर्म का काम करती है मेन वर्ब से, कैसे, मेन वर्ब का काम करती है, और फंक्शन जो रूल होता है हमेशा याद रखना, बिल या कोई भी मेन वर्ब है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब है, और उनके बाद अगर मेन वर्ब आ रही है तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। बात करें मॉडल की, मॉडल वर्ब कोई भी दी जाए, क्या दिया है, मॉडल वर्ब कोई भी दी जाए तो उनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे आप लोग यूज करते हो ही विल हैव, क्या यूज करते हो, विल हैव, एग्जाम में गलती आती है तो वहां पे वो हैज कर देंगे, क्या यूज कर, हैज, तो हमें यूज क्या करना है, यहाँ पे हैव यूज करना है। इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, तो हमें सेंटेंस क्या यूज करना है, ही विल हैज यूज नहीं करना है, क्या यूज करना है दोस्तों, विल हैव यूज करना, समझ में आ गया होगा सबको। अब वही पॉइंट इसमें है, पॉइंट क्या है,
यहां पे बी मींस प्रेजेंट होना है, मतलब मैं वहां पर रह नहीं रहा हूं, प्रेजेंट हूं, उपस्थित हूं। तो इसका जो आंसर होगा वो जो आंसर होगा आई हैव बीन इन अमेरिका। समझ में आ गया, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, मुझे लग रहा है। अब किसी का कोई भी डाउट बचाओ, याद रखना हमेशा इनके बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है, हमेशा अगर एक्टिव वॉइस है तो, पैसिव वॉइस है तो थर्ड फॉर्म आ जाती है। इनके बाद मैं अगर बात करूं हैव हैड हैड, तो इनकी जो थर्ड फॉर्म होती बताया हैव हैड हैड होती है, तो इनके बाद हमेशा आती है थर्ड फॉर्म। अगर पैसिव वॉइस में भी तब भी बीन आती है, क्या आती है बीन आती है, तो वो भी तो थर्ड फॉर्म है। दूसरा अगर डू फॉर्म है, डू डज डिड, इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हमेशा याद रखना। तो ये कुछ बेसिक्स थे, आज का टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो गया है। आप लोग किसी को भी लग रहा है कि चीजें अच्छी हैं, सर मेहनत कर रहे हैं, तो अपने सभी दोस्तों को भेज दीजिए। और कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही, कमेंट बॉक्स सिर्फ आप लोगों के लिए। और हाँ, तुम लोग ये मत किया करो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी चैटिंग शुरू कर देते हो। हाँ हमें पता है तुम लोग बिछड़े हुए हो, बहुत दिन से मिले नहीं हुए एक दूसरे से, दोस्ती यारी की बातें नहीं हुई है, तो थोड़ा ध्यान रखो। बाकी बातें करते रहा करो, चैट बॉक्स भी आप लोगों के लिए है, कमेंट करते रहा करो, कोई भी डाउट है जरूर कमेंट करो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।